क्या शाहरुख खान ने अंधविश्वास में आकर बदला अपनी फिल्म जवान का टाइटल? फिल्म जवान के टाइटल में एक एक्स्ट्रा ए लगाने की SRK को क्यों पड़ी जरूरत? मैं वो 4 साल भूल गया हूँ पिछले 4 दिन के अंदर। These 4 days are the happiest. क्या पठान की सक्सेस की वजह से SRK ने जोड़ा एक एक्स्ट्रा ए इन जवान? शाहरुख खान ने रिसेंटली आस्क SRK सेशन के दौरान अपनी फिल्म जवान के टाइटल में एक्स्ट्रा ए जोड़कर सबको चौंका दिया और हर कोई गेस करने में लगा है कि इस चेंज की आखिर रियल वजह क्या है, क्योंकि SRK को तो अंधविश्वासी नहीं माना जाता, लेकिन क्या SRK एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में बिलीव करने लगे हैं और इसी की वजह से उन्होंने अपनी फिल्म के टाइटल में लाया है बदलाव? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि फिल्म पठान के टाइटल में भी हमें एक एक्स्ट्रा ए नज़र आया था और शायद इसी वजह से अब जवान के टाइटल में एक्स्ट्रा ए ऐड करने का फैसला किया गया है। मेरी जेन्युइन डिज़ायर ये रहती है कि मैं लोगों को खुशी बांट सकूं, और जब मैं उसमें फेल होता हूं, किसी को इतना दुख नहीं होता जितना मुझे दुख होता है, तो मैं बहुत खुश हूं। Zoom Digital के साथ कॉन्वर्सेशन में अनंत पटवा ने कहा, तो यही जो इम्पैक्ट है वो जवान के अंदर भी AA डाल के सेम ग्रेट इम्पैक्ट होने जा रहा है। पठान का हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, यानी एस्ट्रोलॉजर्स को लगता है कि SRK ने एक एक्स्ट्रा ए ऐड करने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि वो पठान की सक्सेस को जवान के साथ रिपीट करना चाहते हैं। अब ध्यान देने की बात ये है कि ऐसा बहुत ही कम लोग मानते हैं कि SRK इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, लेकिन जिस तरह पिछले कुछ वक्त में काफ़ी स्ट्रगल के बाद SRK को सक्सेस मिली, ऐसे में ये हैरानी की बात नहीं। मेरी जेन्युइन डिज़ायर ये रहती है कि मैं लोगों को खुशी बांट सकूं, और जब मैं उसमें फेल होता हूं, किसी को इतना दुख नहीं होता जितना मुझे दुख होता है, तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं आप लोगों को खुशी बांट सका। I will ever be grateful to Aditya Chopra and Siddharth and then to Deepika, of course. मैं उसको grateful नहीं कहता, मोहब्बत कम हो जाती, but I just want to say to be part with friends and enjoy this film. मैं वो 4 साल भूल गया हूँ पिछले 4 दिन के अंदर। These 4 days are the happiest. वैसे बॉलीवुड में ढेर सारे सेलिब्रिटीज एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, जैसे एकता कपूर जो अपने हर डिसीजन में एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह लेती हैं। Get a chance to feature on Zoom TV. Ho ja Zoomify.